हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जाहिद नग्याल टेक्निकल हाउस टिप से आपका होस्ट एक और अच्छी वीडियो के साथ हाजिर है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि कुछ जो दोस्त हैं मेरे, अगर उन्होंने JPG की फ़ाइल अपलोड कहीं करनी हो या कहीं पे उन्होंने कवर पेज लगाना हो या उन्होंने अपना लोगो कहीं चिपकाना हो या इस तरह उनको किसी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़े, तो जब वो JPG की फ़ाइल जो है उसकी जो है 2 या 3 MB की होती है, तो उसको जो है उसका साइज़ जो है छोटा करने के लिए उसको जो है कंप्रेस करने का तरीका कार क्या होता है, यानी वो कंप्रेस होके छोटी फाइल कैसे बनती है, सेम टू सेम यानी वही फाइल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ उसका जो है अगर वो 2 MB की 1 MB की है तो वो 200 या 300 या 150 KB की कैसे होगी। तो दोस्तों, बहुत जो है मेरे दोस्त उनको ज़रूरत पड़ती है इस तरह फाइल्स की, JPG फाइल को जो है वो कंप्रेस नहीं कर पाते, उनको छोटी नहीं हो पाती, तो यही वजह होती है। कुछ वेबसाइट जो जैसे ब्लागर है, ब्लागर पे अभी कुछ जगहों पे हमारी तस्वीर लगती है तो बकायदा उन्होंने लिखा हुआ जी कि ये 100 KB, 200 KB, ये 400 KB से ज़्यादा ना हो। इसी तरह थंबनेल आप लगाते हैं तो 2 MB से ज़्यादा नहीं लगती। ये यूट्यूब में जो आप थंबनेल्स लगाते हैं इसमें जो है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, 2 KB से ज़्यादा नहीं लगती। यानी अगर आपने अपनी JPG फाइल का साइज़ कंप्रेस करना है तो उसका तरीकाकार इस वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा, जिसकी वजह से आप इजीली अपनी फाइल को कंप्रेस करके कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा दोस्तों चैनल है। ट्यूटोरियल की तरफ जाने से पहले इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो जो है ताकि आप तक जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप मेरी इस तरह की अच्छी वीडियोज़ देख सकें। तो यहाँ से हम चलते हैं अपने ये वीडियो मैनेजर में, जाके मैं आपको थोड़ी सी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आपको उसकी जो है समझ आ जाए कि ये देखिए अभी, यानी इसको हम एडिट करते हैं, अगर इसको आपने थंबनेल देना है, ये आपने वीडियो अपलोड कर ली, इसको आपने थंबनेल देना है यूट्यूब में, ये थंबनेल ये देख सकते हैं आप नीचे, ये क्या लिखा है, मैक्सिमम फाइल साइज इज़ 2 MB। इस तरह जो है कभी कभी आप थंबनेल लगाते हैं तो आपकी बड़ी फाइल बन जाती है, तो उसको आप कंप्रेस करके छोटा कैसे करेंगे, उसी वक्त 1 मिनट के अंदर, यानी 1 मिनट भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है, कंप्रेस करके यहाँ कैसे लगाएंगे। अगर आप अडोब में बना लेते हैं या वैसे किसी अपने जो है अपने ट्रिक्स से तस्वीर कोई बनाते हैं तो 3-4 MB की बन गया, उसको कंप्रेस करके छोटा करके यूज़ करने का तरीकाकार क्या होगा। तो दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको अब वो तरीकाकार जो है वो क्या होगा। ये देखिए, आपकी ये फाइल खुली हुई है, ये मान लीजिए आपकी JPG की फाइल है। इस फाइल की जो कैपेसिटी है ये देखिए यहाँ पे शो हो रही है 1.5 MB, ये आप देख सकते हैं 1.5 MB की ये फाइल है। अभी इसी फाइल को मैं आपको बिल्कुल तकरीबन 200-250 KB करके दूंगा और इसी यहाँ से ही जब आपने कोई फाइल बनाई, कोई अपना लोगो बनाया, कोई अपनी थंबनेल बनाया तो ये आपने खोला तो यहाँ पे वैसे तो एडिट पिक्चर्स का ऑप्शन होता है ज़्यादातर, चूँकि मैंने हाइड किया हुआ है इसको, तो यहाँ से आप पिक्चर में जाके कोई भी JPG की फाइल होगी उसको ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पहले ओपन करिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पहले ओपन करिए। वो क्या तरीकाकार है ओपन करने का, वो उसको उसका भी मैं आपको जो है अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसका जो है तरीकाकार क्या है उसको ओपन करने का, मैं अभी आपको बताता हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये फाइल हमारी पड़ी हुई है, इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कैसे ओपन करना है एडिट करने के लिए। ये JPG की फाइल आपने अगर सेव की है तो ये देखिए 1.5 जैसे मैंने आपको बताया MB की ये फाइल है। यहाँ पे आप लेफ्ट क्लिक करके ओपन विद पे जाके ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है इसमें ओपन कर सकते हैं। हर बंदे के पास ये ऑप्शंस होता है, इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये ओपन हो चुकी है। यहाँ से कैसे जो है कंप्रेस करना है, छोटा करना है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं 1.5 MB की है। तो आप यहाँ से पिक्चर में जाके ये कंप्रेस पिक्चर है इस पर क्लिक करिए,
बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपके पास ये देखिए ऑप्शंस आ जाएंगे कि वेब पेज है या ईमेल मैसेज है या डोंट कंप्रेस ऐसे रखना। ये डॉक्यूमेंट्स पे आपने क्लिक करना है। यहाँ देखिए ओरिजिनल साइज़ इसका ये है 1.05 MB, और ये कंप्रेस होकर 285 KB की हो जाएगी। ये यहाँ पे जब आप ओके करेंगे तो 285 KB की ये हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वही शो कर रही है। जब आप इसको सेव करेंगे तो ये वापस जो है तकरीबन उसी की 285 KB की शो करेगी। ये भी सेव हो गई है, बल्कि ये देखिए आप ये यहाँ साइज इसने चेंज कर दिया अपना। ये देखिए जब आपने सेव किया, ये देखिए 94 KB की इसने कर दिया है। यहाँ इसको लेके ये 94 KB जो है इसने साइज़ अपना कर दिया आपने सेव किया तो। अभी ये 94 KB की दोस्तों फाइल बन चुकी है आपकी, ठीक है। पहले ये 1 MB से ज़्यादा थी, 90 यानी 1000 KB का 1 MB होता है। तो आप देख लीजिए कि ये कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। इसी तरह दोस्तों PDF की फ़ाइल को कंप्रेस करने का भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा जो है वीडियोस को कंप्रेस करने का मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो अगर आपकी ज़्यादा तो उसके लिए क्या करना है। फ़िलहाल ये JPG का मैंने आपको ट्रिक्स बताया, जिन दोस्तों को क्योंकि ये एक दो दोस्त की प्रॉब्लम्स थी, इसलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ ताकि इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का बंदों को पता चलता जाए। एक्चुअली बंदे सब काम जानते हैं, जब इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है तो बंदा आके फंस जाता है छोटी सी चीज़ के लिए। तो ये इसको जो है सॉल्व करना बड़ा ज़रूरी था। सो दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। कमेंट्स बॉक्स में अगर आपको कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरा जो है उसका फीडबैक दूंगा। तो देखते रहिए टेक्निकल हाउस टिप। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।